सो हेलो एवरीवन तो आज हम लोग रहे का रहेगा लेक्चर नंबर 25 ऑफ जी के पी वाई क्यू सीरीज़ फॉर आर एस एस एग्ज़ाम्स और एक चीज़ कि फर्स्ट में यानी कि मंडे से आप लोगों का लाइव सेशन रहा करेगा ये ठीक है मॉर्निंग टेन एम पर बाकी इसके रिगार्डिंग आप कमेंट में एक बार और बता दीजिएगा कि टाइमिंग और सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बट फ्रॉम द फर्स्ट मे ठीक है ये सेशन आपका मॉर्निंग टेन एम से मंडे से अगले मंडे से लाइव रहेगा ठीक है बिकॉज अब हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग लाइव इंटरेक्शन करें तो वहाँ पे आप भी क्वेश्चंस का आंसर रियल टाइम में कर सकें ताकि मुझे यही पता चल सके कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी नहीं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये सीरीज़ सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है आप किसी भी एग्ज़ाम में अपियर होंगे ठीक है अभी हम लोग के तीस सेशनस कम्प्लीट नहीं हुए हैं और रिजल्ट आप जिसने भी ठीक है जिसने भी आ, दस पंद्रह लेक्चर भी कवर किए होंगे उसको पता है कि रिजल्ट्स उसके क्या हैं वो आप चाहे किसी भी एग्जाम में इस लेवल के बैठ जाइए आपको सब में हेल्प करने वाला है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द समर यूथ ओलंपिक गेम्स इन ट्वेंटी निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी करी थी सिंगापुर सेनेगल चाइना या फिर अर्जेंटीना तो यहाँ बात कर रहा है समर यूथ ओलंपिक गेम्स की अगर आप रेगुलर होंगे लेक्चर्स में रिविजन कर रहे होंगे तो आप समझ ही होंगे कि ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है ठीक है हम लोग कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन कब हुआ था कहाँ पे हुआ था सिंगापुर में हुआ था तो पहले यूथ ओलंपिक्स गेम्स 2020 में हुए हुए थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंगापुर अब जो यूथ ओलंपिक गेम्स होते हैं याद रखिएगा किस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके बीच में होता है तो 15 से लेके जो 18 एज ग्रुप के होते हैं उनके गेम्स को हम सम के गेम्स को हम यूथ ओलंपिक्स बोलते हैं इसको भी मैनेज आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करता है वही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आपके समर ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स सबको मैनेज करता है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका हेडक्वाटर है लौसान स्विट्जरलैंड में आपको ये बताना है आपको ये बताना है कि जो फीफा है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है आई का जो करेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आई के इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार ये कौन है थॉमस बाच हैं बात अगर हम करें इसी तरह अगले वाले ये तो हो गया 2010 में जो पहले समर यूथ ओलंपिक गेम्स हुए थे बट अगर हम बात करें जो अगले 2024 में आपके यूथ ओलंपिक्स होंगे यूथ ओलंपिक्स ये कहाँ पे होंगे तो अगले वाले यूथ ओलंपिक्स होंगे आपके आ, ये होंगे आपके सेनेगल में ठीक है सेनेगल सेनेगल ये कंट्री है और सेनेगल अगर मोर स्पेसिफिकली पूछे तो डकार ठीक है डकार जगह का नाम है और सेनेगल में होंगे दो ये होंगे आपके 26 में ना कि 24 में ये 26 में होंगे सेनेगल में और 2024 वाले भी लिख लीजिए 2024 के जो यूथ ओलंपिक्स होंगे ये आपके गैंग वन ठीक है गैंगवान साउथ कोरिया में होंगे कहाँ पे साउथ कोरिया में ठीक है और अगर बात करें तो अगर कभी ये चीज़ पूछ ले वैसे तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं लेकिन आप इसको नोट्स में मत ऐड करना बस सुन लो अगर कभी पूछ ले कि यूथ ओलंपिक गेम्स ये किसकी उपज थी किसके दिमाग की उपज थी किसने बोला था कि भाई इस तरह के ओलंपिक होने चाहिए फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने उसने एक प्रोविजन रखा इस तरह तो जोहान रोजन मैं लिख देता हूँ जोहान रोजन जोफ ठीक है ये इनका नाम था ठीक है तो डकार सेनिकल में दो हजार छब्बीस में दो हजार चौबीस में गैंगवान साउथ कोरिया में इसी तरह आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुए थे पहले विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे ये हुए थे स्टार्ट 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में चामोनिक्स फ्रांस अगले वाले विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में अगला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज क्लोरेला रीजन क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है ये जब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लोरेला ये किससे बनता है काई से बनता है काई जी हाँ ये जो एल्गे होता है ना एल्गे उससे बनता है जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे होता है ब्लू ग्रीन जो आपका एल्गे होता है जिस जो कि आपका साइनोबैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करता है ये आपका मैं लिख देता तो हूँ इसको सा, ये साइनो बैक्टीरिया से आता है और ये हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया कहाँ पर पढ़ा है जब हम लोग से सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे कि इनमें सेल वॉल होती है क्यों क्योंकि जो एलगे होते हैं ये अपना खाना खुद से बनाते हैं ऑटोड्राफ्स होते हैं थ्रू दी फोटोसिंथेसिस बिकॉज ये ग्रीन होते हैं ठीक है और अगर हम बात करें तो ये नेचुरली भी पाए जाते हैं नेचुरली भी और अब इनकी फार्मिंग भी होने लगी है फार्मिंग जी हाँ काई को उगाया जाता है फार्मिंग होती है इसकी क्यों क्योंकि जो क्लोरेला होता है ना ये रिच होता है काफ़ी प्रोटीन में बहुत भयंकर रूप से प्रोटीन होता है इसमें और इसमें बहुत भयंकर रूप से आयरन भी होता है अगर प्रोटीन ऑप्शन में ना हो तो आयरन मतलब इसको सुपर फूड का नाम भी दिया गया है और ये मतलब मैंने तो कभी कंज्यूम नहीं किया है लेकिन आ, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था स्टडी जितना किया तो मतलब बहुत भयंकर इसमें प्रोटीन बहुत भयंकर आयरन और बहुत ही जिसका लिवर वगैरह ख़राब रहता है उसके लिए तो एकदम सुपर फूड है लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई नेचुरल तौर से या फिर इसको फार्मिंग ढंग से वो किया गया क्योंकि नेचुरल वाला एक्चुअली में बेकार होता है कई कई बार क्योंकि उसमें कंटामिनेशन हो जाता है तो उसमें थोड़े से हैवी मेटल वायरस ये वगैरह घुस जाते हैं लेकिन ये जो होता है जो ढंग से जो आपकी सही कंडीशन में फार्मिंग के थ्रू उगाया जाता है वो काफ़ी बढ़िया होता है ठीक है खैर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है डू और डाई स्लोगन इज गिवेन बाई अच्छा आपको ये बताना है क्लोरोफिल में क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है विच मेटल इज फाउंड इन द क्लोरोफिल अगला क्वेश्चन है डू और डाई स्लोगन इज गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर करो या मरो कनारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल मोतीलाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी डू और डाई करो या मरो बहुत आसान क्वेश्चन है ये हमने दिया था महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कुछ और स्लोगन्स जो आपको पता होना चाहिए जैसे कि यहां पे मैं कुछ लिखता हूं आप बताइएगा आराम हराम है ठीक है आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज हु लिव्स इफ इंडिया डाइज सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ठीक है सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और यह हो गया ये सत्यमय सत्य में जयते यह किसने बोला था और साम्राज्यवाद का नाश हो साम्राज्यवाद का नाश हो यह किसने कहा था फिर अगर बात करें पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज सारे जहाँ से अच्छा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और इनकलाब जिंदाबाद ये आप बताइए जल्दी से किसने किसके नारे थे ये रिकॉल करिए इसलिए मैं लिखता हूँ एक एक साथ करके नहीं लिखता हूँ ताकि आप अपने माइंड से भी रिकॉल करें जब तक आप रिकॉल नहीं करेंगे एक्टिव रिकॉलिंग नहीं करेंगे तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी क्योंकि आप भी नोटिस करने कितनी सारी चीज़ें हैं और इससे आप स्केप नहीं कर सकते हैं अगर आपको जी में अच्छा स्कोर करना है तो एक्टिव रिकॉलिंग इज़ दी ओनली मेथड तो ये दोनों जो हैं या फिर इसके अलावा यानी आराम आराम इफ, इफ इंडिया डाइस और जो पूर्ण स्वराज है ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था बात अगर करें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल सत्यमेव जयते ये हमारा कहा था मदन मोहन मालवी ने आपको यह बताना है सत्यमेव जयते हमने किस उपनिषद से लिया है साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ठीक है और सारे जहां से अच्छा ये मोहम्मद इकबाल ठीक है मोहम्मद इकबाल और इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का नारा है ठीक है भगत सिंह ने इसको जो है फेमस किया इस नारे को अगले क्वेश्चन पे आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है यूनिटरी है पार्लियामेंट्री और मनार्कियल है या फिर प्रेजिडेंशियल है सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के टर्म सब कहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे टर्म्स जो हैं लिखे हुए हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना में ठीक है प्रस्तावना में अगर हमें याद हो तो सोशलिस्ट सेक्युलर और एक और वर्ड है इंटेग्रिटी इन तीनों को बाद में जोड़ा गया था ये तीनों वर्ड ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे इनको जोड़ा गया था फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जब केशव नंदा भारती केश नाइनटीन सेवेंटी थ्री में ये बोला गया था कि प्रियाम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है और उसको संशोधित किया जा सकता है उसके बाद फोटी सेकेंड अमेडमेंट नाइनटीन सिक्स सेवेंटी सिक्स और इसको अमेंड किया सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री पे किसी और का राज नहीं है हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं सोशलिस्ट का मतलब है समाजवाद समाजवाद का मतलब है सभी को समान हक है सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वेल्थ हो या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो होना चाहिए सेकुलर का मतलब है हम कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं जैसे हमारा जो बेटा है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान खुद को बोलता है नहीं सिर्फ वो इस्लाम धर्म को मानता है यहाँ पर हमारे कंट्री में सारे धर्म को एक एक समान माना गया तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिटरी बिल्कुल नहीं पार्लियामेंट्री इसका आंसर होगा प्रेजिडेंशियल तो है नहीं प्रेजिडेंशियल कहाँ पर यू में है मोनार्कियल तो वो होती है भाई जहाँ पर तानाशाही चल रही हो जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यह हमने यहाँ से लिया है यू के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमारे और यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस में ये है कि हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है मतलब सर हमारा हम भी तो बताया सॉवरेन है सॉवरेन हमारा कंट्री है पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है इसका मतलब ये है कि इसमें हस्तक्षेप किए जा सकते हैं सॉवरेन का मतलब है जब कोई हस्तक्षेप ना कर सके पार्लियामेंट में इसका मतलब हस्तक्षेप जुडिशरी हमारी न्यायपालिका करती है और साथ ही साथ हमारे जो मिनिस्टर्स होती हैं उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी विधि विधिक न्याय जो उनका क्या बोलेंगे रेस्पॉसिबिलिटी को कोई इनका जिम्मेदारी ठीक है वो नहीं होती विधिक तौर पे बात अगर करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या डिफरेंसेस है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि कलेक्टिव रेस्पॉसिबिलिटी नहीं होती है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर सेवेंटी में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शाल बी कलेक्टिवली रेस्पांसिबल टू दी लोअर हाउस ऑफ द सेशन यानी कि लोकसभा इन द केस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है वहाँ यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है ठीक है और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि एक चीज़ है जैसे कि अभी यूनिटरी हो सकता है कुछ लोगों को यूनिटरी भी लगा हो वो इसलिए लग सकता है कि हाँ हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी है यानी कि हम फेडरल फेडरेशन का मतलब क्या होता है फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ स्टेट्स और जितने भी राज्य हैं सेंटर्स के बीच में इक्वल पावर का डिवीजन होता है लेकिन हमें भी पता है कि सेंटर के पास थोड़े से ज़्यादा पावर होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया अगर के, केंद्र के दिशा निर्देश नहीं माने राज्य ने या फिर राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फंक्शन नहीं कर पा रही है तो फिर केंद्र का राज हो जाता है एक तरह से क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब क्या है सेंटर का रूल अब इस केस में तो यही ये, ये तो एग्जाम्पल हुआ यूनिटरी फीचर का है ना फेडरेशन का मतलब है सेंटर और स्टेट के पास बीच में इक्वल पावर का डिवीजन है बट सेंटर के पास कुछ मायनों में ज़्यादा पावर्स हैं और ये जो फीचर है ये याद रखिएगा हमने कहाँ से लिया है कई बार आपको बता भी चुका हूँ कैनेडा से लिया है ठीक है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर नॉमिनेशन ऑफ गवर गवर्नर बाई देंटर यानी राज्यपाल के नियुक्ति केंद्र के द्वारा के वो भी कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है ठीक है आपको ये बताना है कि और एक चीज़ इससे हमने रेजिडल रेजिडअरी लिस्ट भी ली है जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी यहीं से लिया है रेजिडअरी लिस्ट ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ पहले क्या कैसे इससे लेक्चर वन से आपको प्रोसीड करना है मैं बार बार आपको ये चीज़ बताता हूँ ठीक है आपको कॉमेंट में ये बताना है जो हमने नॉमिनेशन ऑफ ट्वेल्व मेम्बर्स इन दी राज्यसभा जो हम करते हैं बाई दी प्रेसिडेंट वो हमने कहाँ से लिया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स इन इंडिया कम अंडर विच द फॉलोइंग सीजनस भारत में अक्टूबर और नवंबर महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं ऑटोमन रेनी विंटर या फिर समा अक्टूबर एंड नवंबर भाई बरसात तो हो नहीं रही होती है बरसात तो सिर्फ़ एक ही पार्ट है जो कि हमारा थोड़ा सा कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु वहीं पर अक्टूबर के टाइम पर थोड़ी बारिश होती है यहाँ पर पूरा ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है इस टाइम पर भाई गर्मियाँ भी नहीं पड़ती हैं सर्दियों की अगर बात करें ये पड़ती हैं दिसंबर जनवरी में दिसंबर जनवरी फेबररी में बात अगर हम करें अक्टूबर का महीना क्योंकि यहाँ पे दे दिया है तो इसका आंसर होगा ऑटोमन ठीक है दो ऐसे टाइम आते हैं जब हमारे सीजन स्विच हो रहे होते हैं एक तो होता है जब हमें मिल रहा होता है समर से विंटर ठीक है और एक जब हमें मिल रहा होता है विंटर से समर विंटर से समर जब हमें समर से विंटर मिल रहा होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटम रिकॉल करिए ऑटमनल इक्विनॉक्स को और जब विंटर से समर में जा रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग और रिकॉल करिए स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स को तो ऑटम इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स क्या होता है सबसे पहली बात रिकॉल करिए इक्विनॉक्स वो दो दिन होते हैं पूरी पृथ्वी पे जब बराबर दिन और बराबर रात होती हैं सोलिस्टिस में क्या होता है कहीं पे लंबा दिन कहीं पे छोटी रात और ऐसा करके सिस्टम होता है और सोलिस्टिस के जो डेज होते हैं वो 21 जून होता है और 22 दिसंबर होता है ठीक है इक्कीस जून को समर हॉलिस्टेज बाईस दिसंबर को विंटर सॉलिस्टेज यहाँ बात कर रहे हैं इक्विनॉक्स की इक्विनॉक्स वो दिन जब पूरी पृथ्वी पर दिन व रात समान होते हैं बराबर होते हैं तो ऑटोमनल इक्विनॉक्स की अगर डेट बात करें ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर और अगर स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स की बात करें तो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च जो है स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स की डेट होती है आपको ये बताना है कि ट्वेंटी टू मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दी हाइट ऑफ स्टंप्स इन क्रिकेट इज क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई डैश होती है 22 इंच 25 इंच 20 इंच या फिर 28 इंच तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट होती है 28 इंच ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर होगा 28 इंच हाइट तो जान ली लेकिन आपको ये विथ्थ भी पता होनी चाहिए कि ये विर्थ कितनी होती है तो ये अगर विर्थ की बात करें तो ये तकरीबन होती है नौ इंच ठीक है और अगर हम बात करें कि ये जो स्टम्प्स होते हैं ना इनकी डायमीटर कितनी होती है थिकनेस कितनी होती है थिकनेस या डायमीटर जिसको हिंदी में आप व्यास बोलते हैं ये कितनी है 1.25 इंचेस होती है इसकी व्यास या फिर थिकनेस या फिर मोटाई ये दोनों चीज आपको याद रखनी है अगर ये पूछ ले आपसे सेंटीमीटर में तो तकरीबन कितना ये तकरीबन सेवेंटी सेंटीमीटर के तकरीबन में बैठेगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर वैसे तो इंचेस में पूछेगा तो आपको याद रखना हाइट अट्ठाइस विथ नौ और थिकनेस वन और बाकी यार पिच के बीच के डिस्टेंस तो आपको पता होगा है ना ये एक तो जो बैटिंग क्रीज़ होती है और एक जो आपकी पॉप ये रिटर्निंग क्रीज़ होती है ठीक है जहाँ से आपको रिटर्न करना होता है जब आप रन लेते हो तो इसके बीच में 22 यार्ड्स की डिस्टेंस होती है आई थिंक ये सभी को पता होगा 22 गज की दूरी होती है ना 22 नापते थे ना पैर से पहले इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट है इस भारत का पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है एटॉमिक पावर प्लांट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैंने आपको बताया था कि पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा था एंड दैट वाज तारापुर तारापुर था ठीक है 1969 में ये बना था महाराष्ट्र में लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है पहला इंडीजिनसली बिल्ट यानी पहला स्वदेशी निर्मित यानी कि पूरी तरह से वो इंडिया में ही बिल्ट हुआ है एंड दैट इज़ हमारा तमिलनाडु का कल्पक्कम तमिलनाडु का कल्पक्कम पहला इंडीजिनसली पूरे स्वदेशी निर्मित है आप देख सकते हैं कल्पक्कम है तमिलनाडु में कुंडन कोलंबिया तमिलनाडु में कैगा कर्नाटक में तारापुर महाराष्ट्र में रावत भाटा राजस्थान में नरोरा आपका यूपी में और ककरापार आपका गुजरात में है ये सारे आपको पता होने चाहिए इनकी लोकेशन पहला कौन सा था और पहला इंडिजिनसली बेल्ट कौन सा था इन अर्ली सिक्सटीन टेन डिस्कवर्ड विथ हिज न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप दैट जुपिटर हैज फोर मून सोलह सौ दस की शुरुआत में किसने अपने अविशिष्ट सॉरी अविष्कृत टेलीस्कोप से पता लगाया कि बृहस्पति के चार चंद्रमा हैं टाइको टाइकोब्रे गैलीलो गैलेलाई जोहनस कैपलो साइमन मैरियस सिक्सटीन टेन में यह पता लगा लिया था कि जुपिटर के चार मूनस हैं कल हम लोगों ने अगर याद हो तो किसके बारे में पढ़ा था कल हम लोगों ने पढ़ा था हाइजेंस के बारे में हाइजेंस ने क्या डिस्कवर किया था हाइजेंस ने डिस्कवर किया था जो डिस्क अराउंड सैटर्न है डिस्क अराउंड सैटर्न जो किसकी बनी होती हैं जो बनी होती है हमारी आइस रॉक डस्ट इस सब की हमारी बनी होती हैं और वो हमें सैटर्न में अच्छे से दिखती हैं कैस जो कसीनी थी उन्होंने वो जो रिंग्स के बीच में जो ब्लैक कलर का वो गैपिंग है उसको डिस्कवर किया था और अभी हमने रिसेंटली में ही जुपिटर के कुछ मूंस या फिर कुछ सैटेलाइट डिस्कर डिस्कवर किए थे तो जिसके बाद सैटन के पास ये तमगा हटके जुपिटर के पास अभी है मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट का ठीक है लेकिन खैर पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि, कि किसने यहाँ पर जुपिटर के चार नए मून निकाले थे एक गैली लो तो ये इसी वजह से आपको बता दूँ कि जुपिटर के भी कुछ और मून्स मिले हैं जिनको हम नेचुरल सेटेलाइट भी बोलते हैं जिसकी वजह से जुपिटर के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं सबसे बड़ी सैटेलाइट इसकी गैनी है सबसे बड़ी सैटेलाइट ऑफ आपका सैटन है टाइटन्स जिसमें कसीनी हाइजेंस मिशन भेजा था किसने यूएसए ने और बाकी जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि मरकरी वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं होती है आ, हमारी अर्थ की एक है जो है मून ठीक है और मून का सिर्फ़ एक साइड विजिबल होता है और क्यों विजिबल होता? हो, uh, होता है बिकॉज उसका रोटेशन रेवोल्यूशन का जो पीरियड है सेम होता है अराउंड ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन थ्री डेज होता है और उसका जो एक पार्ट होता है जो हमें कभी विजिबल नहीं होता है दैट इज़ कॉल्ड द शेडो जोन ऑफ द दैडो एरिया ऑफ़ द मून वहाँ पर अभी यू जो है आर्थमिस मिशन भेजा ठीक है आर्थमिस मिशन इज़ रिलेटेड टू द शेडो जोन ऑफ द मून जो ये, ये आपका नासा का मिशन है फिर अगर हम बात करें फोबोस डीमोस दो मास के सैटेलाइट्स हैं मास को रेड प्लानट के नाम से जानते हैं बिकॉज टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट इसके बाद हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट चालू हो जाती है उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं गैसियस और जोवियन प्लानट ठीक है जुपिटर सैटन जुपिटर सबसे बड़ा हमारा प्लाने, प्लानट है उसके बाद सैटन आता है ठीक है और जुपटा सैटन देख लिया सैटन की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है यूरानस नेपच्यून को हम आईसी जैनस के नाम से जानते हैं बिकॉज बहुत ठंडे होते हैं सूर्य से बहुत दूर हैं और सबसे अगर गर्म की बात करें तो मरकरी सबसे पास में है सन के बट सबसे गर्म नहीं है वीनस सबसे गर्म है जिसको हम अर्थ के ट्विन सिस्टर बोलते हैं सांझ का तारा भोर का तारा मार्निंग मौर्नि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बोलते हैं सबसे ब्राइटेस्ट भी वही हमारा प्लानट होता है सबसे चमकीला लग है क्लियर है सारी चीज़ें हमारी जल्दी से रिवाइज हो गई आगे बढ़ते हैं इसी तरह से आपको भी करना है कहीं कोई भी आप कोई चीज़ क्वेश्चन देखते हो तो उसको रिकॉल करके सारा कुछ तुरंत रिवाइज़ कर लेना होता है ऐसा नहीं कि आराम आराम से मैं लिखूंगा तब तुम रिवाइज़ करोगे ठीक है ये सिलेक्शन वाले लक्षण नहीं होते हैं वो ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस में से कौन सी दूरी की इकाई है न्यूटन वॉट जूल या फिर लाइट ईयर तो न्यूटन की अगर बात करें फोर्स की यूनिट है यानी कि बल की इकाई है वॉट की अगर बात करें पावर यानी कि शक्ति की इकाई है और शक्ति की इकाई मैंने आपको एक और बताई थी जरा जल्दी से रिकॉल करिए उसको जूल किसकी हमारी इकाई है जूल हमारी एनर्जी की है वर्क डन की है ठीक है और लाइट ईयर हमारी डिस्टेंस यानी प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं और एक लाइट ईयर में आपको पता होना चाहिए कितने किलोमीटर्स होते हैं नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू दि पावर ट्वेल्व किलोमीटर्स अगर मीटर में पूछ लेगा तो वही टेन टू द पावर फिफ्टीन मीटर्स हो जाएगा ये जो बहुत बड़ी डिस्टेंसेज होती हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होती हैं उनको मेजर करने के हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं और एक और डिस्टेंस होती है आपकी पारसेक वो लाइट ईयर से भी बड़ी होती है पारसेक एक पारसेक में याद रखना होते हैं थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर ये भी किसकी यूनिट हो जाएगी डिस्टेंस की ठीक है पारसेक को पास्कल के साथ कंफ्यूज मत करना पास्कल किसकी यूनिट होती है आप बताएंगे तो पावर के लिए मैंने आपको एक यूनिट बताई थी हॉर्स पावर और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं सात सौ छियालीस वॉट और अगर मैं किलो वॉट पूछ लूँ तो जीरो पॉइंट सेवन फोर सिक्स किलो वॉट इसका आंसर हो जाएगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है कितना काम किया गया कितने टाइम में दैट इज कॉल्ड आपका शक्ति या फिर पावर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है वट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनको अगर हटा भी दिया जाए हमारी बॉडी से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं बाल हैं आपके ठीक है अगर मैं आपके बाल को हटा लूँ उसे क्या आपका कोई ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देगा या फिर आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा बिल्कुल नहीं इसी वजह से आप जो लोग के बाल झड़ते हैं ना उसका रीज़न भी यही होता है तो ठीक है जेनेटिक वगैरह कारण होते हैं लेकिन जब आप न्यूट्रिशन ढंग से नहीं लेते हैं तो होता क्या है कि हमारी बॉडी को ये लगता है कि भाई न्यूट्रिशन किस तक पहुंचना चाहिए जो मेन हमारे ऑर्गनस है अगर उन तक नहीं पहुंचेगा तो भाई जीवन संकट में आ जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर एनर्जी पहुंचनी चाहिए तो सबसे पहले आपके बालों से न्यूट्रिशन को खींचता है मतलब खींचता इन दी सेंस वहाँ नहीं पहुँचाता क्योंकि पहले ही कमी है न्यूट्रिशन की अगर उसको दे देगा तो फिर जो मेन ऑर्गनस है उसको कैसे तो इसी वजह से आपके बाल झलना स्टार्ट होते हैं ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रिशन प्रॉपर लिया करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन इसमें हार्ट तो यार हट जाएगा तो फिर तुम भी हट जाओगे लंग्स भी इंपॉर्टेंट हैं बहुत ठीक है बिकॉज जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है जो पूरा प्योरीफिकेशन वगैरह वो लंग्स ही करते हैं हार्ट आपका पंपिंग ऑर्गन होता है ठीक है और अच्छा आर्टिफिशियल हार्ट का नाम बताइए आर्टिफिशियल हार्ट और हार्ट से आपको क्या क्या याद आना चाहिए हार्ट से आपको याद आना चाहिए कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है ठीक है लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है यहाँ पे मैं लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ ठीक है लार्जेस्ट आर्टरी लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है और कितने हार्ट चैम्बर होते हैं चैम्बर से याद आया मुझे कि बाकी जब भी जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे इतना मैं लिखूंगा नहीं ठीक है लिखने में जितना समझ आएगा उससे ज़्यादा की जल्दी जल्दी हम रिवाइज करें तो आर्टिफिशियल हार्ट हमारा कौन सा क्या होता है आर्टिफिशियल हार्ट होता है पेस मेकर हार्ट बीट को हम किससे मेजर करते हैं हार्ट बीट को हम किससे मेजर करते हैं ये मेजर करते हैं मैनो स्विग्मो मैनोमीटर ठीक है स्विग्मो मैनोमीटर से हम सॉरी तो स्विगमो मैनोमीटर बोल रहा हूँ इससे तो आपका ब्लड प्रेशर मेजर होता है स्टेथोस्कोप ठीक है स्टेथोस्कोप से आपका मेजर होता है हार्ट बीट जो आपका डॉक्टर जी सांप की तरह गले में डाले रहते हैं है ना तो उससे आपके हार्ट बीट मेजर करते हैं और से आपका ब्लड प्रेशर मेजर होता है 120 ट्वेंटी बाई एट्टी एम एम ऑफ एच ये क्या होता है लिमिट होता है इससे ऊपर है तो हाई बीपी और इससे कम है तो लो बीपी ठीक है आर्टरी सबसे लार्जेस्ट कौन सी है ये है अरोटा या फिर ऑटा ठीक है जो आपका आर्टरी का काम क्या होता है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है कहाँ से कहाँ फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वेन की अगर लार्जेस्ट वेन की बात करें तो सुपीरियर वेना कावा, ठीक है सुपीरियर वेना कावा आपकी लार्जेस्ट वेन हो जाएगी ठीक है सुपीरियर वेना कावा इसका काम क्या होता है इसका काम होता है जो डी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका प्योरीफाइड ब्लड होता है प्योर ब्लड होता है डी ऑक्सीजेटेड ब्लड आपका इमप्योर ब्लड होता है तो ये डिफरेंट ऑर्गन से आता है हार्ट की तरफ कि भाई यार हमारा भी प्योरीफाई कर दो जल्दी से और फिर हमारे हमारे जगह हमें पहुँचा देना तो ये सब लोग आते हैं ऑर्गन एक तरह से वेन ले कर आती हैं हर ऑर्गन से डी ऑक्सीजेटेड ब्लड को लेकिन इसके एक एक्सेप्शन होते हैं अपवाद होते हैं आर्टरी हर आर्टरी ऑक्सीजेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम दी हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट आपकी एक होती है पलमोनरी आर्टरी और वेंस का एक्सेप्शन होता है अपवाद होता है पलमोनरी वेन ये जो है डी ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ये डी ऑक्सीजेटेड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट फ्राम लंग्स टू हार्ट और इसका उल्टा यानी वेन ये पलमोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी फ्रॉम दी फ्रॉम दी हार्ट टू दी लंग्स हार्ट टू लंग्स ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है तो अपेंडिक्स क्या होती है अपेंडिक्स आप उ, उ, कैसे समझाऊँ मैं आपके ये जो कमर के पास में होती है ठीक है अपेंडिक्स जो है आपका जो कमर होता है ना जैसे आपका ये है ठीक है ये नीचे का बॉडी पार्ट है तो यहाँ पे ऐसे होती है ठीक है वो अंदर की तरफ होती है तो ये आपका आंसर होगा ये वेस्टिजियल ऑर्गन है वेस्टिजियल ऑर्गन की अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो काकिक्स ठीक है काकिक्स मतलब ये जो टेल बोन होती है मतलब स्पाइनल कॉर्ड होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड जब ऐसे पीछे होता है मतलब स्पाइनल कॉर्ड अब ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे करके होता है तो पीछे आपका ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे एक टेल बोन होती है कुछ और मत समझ लेना ठीक है क्योंकि पिक्चर्स में जैसे गूगल वगैरह पे तुम करोगे तो यहाँ ऐसे दिखाएको पीछे होती है आगे की बात नहीं हो रही है ठीक है काकिक्स टेल बोन और ऐसे आपके टॉन्सिल्स भी होते हैं ठीक है टॉन्सिल्स ये सब क्या होते हैं ये आपके होते हैं टॉन्सिल्स और काकिक्स हो गए या फिर अगर मैं पेन्ना की बात करूँ पेन्ना क्या होता है जो आपका कान होता है ना ऐसे करके ऐसे करके जो कान होता है यहाँ पे जहाँ बाली पहनी जाती है दैट इज़ कॉल्ड पिनना तो वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ वो पार्ट है एक ठीक है और किडनी आपको पता है ये हमारा ब्लड को प्योरीफाई वगैरह करने में ये मदद करता है वेस्ट डिस्पोजल का काम का करता है और साथ ही साथ अगर ये ढंग से काम नहीं करता है तो फिर हमें क्या करवानी पड़ती है हमें आर्टिफिशियल तौर से डायलिसिस करवानी पड़ती है ठीक है डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल मेथड है ब्लड को प्योरीफाई करने का ड्यूगोंग इज द मेन एनिमल ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व ड्यूगोंग बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख जानवर कौन सा है मतलब किस बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख जानवर है सिंपली पाल मानस बे ऑफ बंगाल इफ ए ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व तो ये है हमारा डुगोंग इसको पता है समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है सी काऊ के रूप में जाना जाता है आयू की जो रेड uh, लिस्ट है आयू की उसमें इसको वनरेबल की कैटेगरी में डाला रखा है अभी तो सी काउ है ये आपको मिलेगा बे ऑफ मन्नार में मन्नार की खाड़ी में कहाँ है तमिलनाडु में है ये बे ऑफ मेनार वहाँ पर डुगोंग सी का वो आपको देखने को मिलता है और ये अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि अभी एक एक दो काफी की डेथ हुई थी वहाँ पे ठीक है तो मरी पाई गई थी खैर बात करते हैं जो बाकी हैं यहाँ पे सिम्पली पल सिंपली पल कहाँ पे है सिंपल कहाँ के लोग रहते हैं कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो बहुत सिंपल रहते हैं नवीन पटनायक उड़ीसा ठीक है मानस कहाँ का है मानस आपका असम का है यहीं असम का है आपका काजीरंगा जो किस जानवर के लिए फेमस है ये आपको कमेंट में बताना जल्दी से यहीं पे असम में आपको ओरंग नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा फिर अगर हम बात करें ग्रेट रन ऑफ कच्छ तो ये कहाँ पर है ये गुजरात में है ग्रेट रन ऑफ कच्छ ठीक है और तो अभी काजी रंगा हाँ और एक चीज़ एक और याद रखना इसमें ना मेरी ना तेरी ठीक है ना मेरी नेशनल पार्क काजी रंगा फेमस फेमस है वर्न हॉर्न राइनो के लिए बात ये आती है कि बैस्वी रिजर्व फिर, फिर जैसे भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ठीक है आप बताना दाची नेशनल पार्क दाची गांव कहाँ पर है किश्तवाड़ कहाँ पर है ठीक है फिर आप बताएंगे सरिस्का सर इसका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है फिर आप बताएंगे देश का पहला देश का जो पहला रिज़र्व जो है रिज़र्व था नीलगिरी याद रखिएगा देश का पहला था ये ठीक है कहाँ पे है फिर आप बताएंगे जल्दी से कि पेरियार रिज़र्व कहाँ पे है साइलेंट वैली और वैली ऑफ फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क अगर तो हम बात करें दाची गांव और किश्तवाड़ दोनों कहाँ पे देखने को मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में सरिस्का की बात करें राजस्थान में और राजस्थान में ही आपका एक और है याद करिए रा, राजस्थान में है रणथंबोर ठीक है रण ठीक है बात करें नीलगिरी की तमिलनाडु में है पहला बायस रिजर्व था याद रखिएगा पेरियार की बात करें पेरियार नदी कहाँ है जो कि लाइफ लाइन ऑफ केरला कही जाती है केरल में ठीक है साइलेंट वैली की अगर बात करें ये भी केरल में है और वैली ऑफ फ्लावर की बात करें ये उत्तराखंड में है ध्यान ये रखिएगा नेशनल पार्क बायोस्फीर रिजर्व और सेंचुरी में अंतर क्या होता है चलिए अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं सेंचुरी सबसे छोटा होता है ऐसे समझो उससे बड़ा होता है उससे बड़ा होता है नेशनल पार्क उससे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिज़र्व ये सिर्फ किसी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है वाइल्ड लाइफ बोले तो सिर्फ फोना नॉट फ्लोरा ये फ्लोरा और फोना दोनों ठीक है ये प्लांट्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है तो फ्लोरा और फोना दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है और बायसफे रिजर्व तो एक काफ़ी बड़ा होता है ठीक है और यहाँ पर बायसफे रिज़र्व में सबसे ज़्यादा अगर बात करें रिस्ट्रिक्शंस की तो नेशनल पार्क में होती हैं ठीक है बायसफ रिज़र्व सबसे बड़ा होता है तो पूरे बायोडाइवर्सिटी को बायो डाइवर्सिटी को प्रिज, प्रिजर्व करता है ठीक है क्लियर है और बायोस्फीयर पता क्या होता है बायोस्फीयर बायोस्फीयर वो होता है जहाँ लैंड वाटर और एयर तीनों का मिलन होता है दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर और ठीक है ये चीज़ आपको याद होगी नहीं सेंचुरी किसी वाइल्ड लाइफ के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि अभी हम लोगों ने तराई का दे तराई में देखा तराई में आपका एलिफेंट रिजर्व बनाया गया तो एक वो सेंचुरी है ठीक है सेंचुरी ऐसे टाइगर के कंजर्वेशन के लिए आपको आपके बनाए जाते हैं तो टाइगर से आपको याद आना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर जी मैंने आपको पढ़ाया था नाइनटीन कब 1973 ठीक है और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो फर्स्ट अप्रैल बात अगर करें एलिफेंट ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 ठीक आगे बढ़ते हैं विच ओ द फॉलोइंग हैज़ अ यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन डिस्टेंस स्पीड या फिर वेलोसिटी बहुत आसान सा क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट है डिस्टेंस की मीटर स्पीड की आपकी मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड बस डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में आपका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं स्पीड में डिस्टेंस को लेते हैं इसलिए आपका ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज डिस्टेंस खुद एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक वैक्टर क्वांटिटी है ठीक है अच्छा एक अब क्वान्टिटी आपसे पूछ लेते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस res, या फिर उसी को रजिस्टिविटी भी बोलते हैं रेजिस्टेंस की तो ओम होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए इसको याद करिए भाई इसका आर का ओम हो गया ठीक है रो का निकालना है एल लेंथ मीटर और एरिया मीटर स्क्वायर तो मीटर से मीटर कैंसिल ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा ओम मीटर ये किसकी यूनिट आ जाएगी रो की तो ये रो की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट हो गई ओम मीटर क्लियर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसी तरह बाकी भी रिकॉल करिए जैसे कि मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है कैंडल आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है ठीक है और मोल uh, होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाकी ये सारे आपको रिकॉल करना है ठीक है अगला क्वेश्चन है इन लीव्स ट्रांसपेरेशन टेक्स प्लेस थ्रू डैश पत्तियों में वाटपोत्सर्जन डैश द्वारा होता है एपिडोमल सेल्स टोमाटा कॉक सेल या फिर गार्ड सेल वॉट इज ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन या फिर वाटपोत्सर्जन होता क्या है ये होता है अ लॉस ऑफ वाटर पानी का लॉस होना बाई दी प्लांट पानी जो आपके प्लांट्स होते हैं ये पानी कहाँ से लेके आते हैं नीचे से कौन लेके आता है याद करिए जाइलम जाइलम ही तो वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से पानी लेके आता है अब ये जो पानी है इसमें से मात्र टेन परसेंट यूज़ होता है नाइन्टी परसेंट का वाटर लॉस हो जाता है थ्रू टू मैथड्स द वन इज़ ट्रांसपीरेशन एंड द अदर वन इज गटेशन पहला है ट्रांसपीरेशन दूसरा है गटेशन तो बात आती है कि अंतर क्या है फिर इनमें अंतर ये है कि ट्रांसपीरेशन दिन में होता है यानी कि लाइट की प्रेजेंस में होता है और गटेशन रात में यानी कि लाइट की एब्सेंस में होता है रात में या फिर जल्दी सुबह लाइट की एब्सेंस में ट्रांसपेरेशन आपका स्टोमेटा के थ्रू होता है और जो गटेशन होता है ये पर्टिकुलर टाइप के आपके लीव्स uh, में ही होते हैं हाइडा थोट्स हाइडा थोट्स के थ्रू होता है आंसर होगा स्टोमेटा जिनको प्रोटेक्ट कौन करता है गार्ड सेल प्रोटेक्ट करती हैं यही uh, जैसे कि हम अपनी जब आई की बात करते हैं आँख की तो अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इंटू दी आई को कौन कंट्रोल करता है कि हमारे आँख में कितनी लाइट एंटर करेगी प्यूपिल पुतली प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है आइरिस उसी तरह स्टोमेटा जो है हमारा इसको रेगुलेट करता है वाटर लॉस को साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है स्टोमेटा में ही आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है इसको कौन कंट्रोल करता है गार्ड सेल आगे बढ़ते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया नॉट विन गोल्ड निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण नहीं जीता है 48, 60, 32 28। इंडिया ने सबसे पहले 1900 में पार्टिसिपेट करना चालू किया था बट नॉट एज अ टीम एक भाई साहब थे हमारे एंग्लो इंडियन बोल सकते हैं उनको नॉर्मन प्रिचार्ड टहलते हुए गए थे घूमने फ्रांस में पेरिस में चलो सोचा खेल लेते हैं फिर 1920 से एक्चुअल में इंडिया ने टीम भेजना स्टार्ट किया ऑफिशियल तौर से हमने टीम भेजा पहली बार और फिर 1928 से लेके 1928 से लेके 20 uh, 1928 से लेके 1956 नाइनटीन तक सिक्स तक उन्नीस तक हमारी हॉकी टीम ऐसा दबदबा बनाया रखा था ऐसा दबदबा बनाए रखा था छः गोल्ड जीते थे और वो भी लगातार ब्रेक नहीं लिया था लगातार और टोटल हमारी हॉकी टीम ने अभी तक आठ गोल्ड जीते हैं उसी टाइम में बहुत पुराने टाइम में आठ गोल्ड ठीक है और ये अट्ठाईस से ले कर छप्पन तक हर बार गोल्ड लाते थे और टोटल आठ जीते हमारी हॉकी टीम ने ठीक अट्ठाईस में जीता बत्तीस में भी जीता अड़तालीस में भी जीता साठ में नहीं जीता ऑप्शन नंबर सेकेंड सही आंसर होगा नाइनटीन सिक्सटी में ठीक है तो गोल्ड हमने नाइनटीन ट्वेंटी एट से लेकर फिफ्टी सिक्स तक सिक्स कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड जीते थे अभी अगर हम बात करें टोटल इंडिया के गोल्ड जो है ना टोटल दस हैं समझ रहे हो अट्ठाईस से लेकर छप्पन के बीच में ही छः आ चुके थे छप्पन समझते हो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उससे बस नौ साल बाद है ना तब तक छः गोल्ड आ चुके थे या फिर उसके बाद बाद फिर आठ गोल्ड हो गए थे मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए तो उसके बाद फिर तुरंत आठ हो गए थे और तो उसके बाद फिर अभिनव बिंद्रा ने जीता ठीक है जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे और फिर अभी हाल ही में जो अभी टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे नीरज चोपड़ा ने जीता जो दसवां हमारा गोल्ड मेडल था ठीक है और टोटल आई थिंक मुझे 35 या 36 हैं एक बार देख लेना 35 या 36 मेडल हैं अभी तक टोटल इंडिया के सारे मेडल मिला के आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है द एब्रीविएशन सी पी सी एल इज़ एसोसिएटेड और एक चीज़ कि हमने विंटर ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट करना चालू किया था ठीक है तो विंटर ओलंपिक्स में याद रखना विंटर ओलंपिक्स में हमने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था नाइनटीन से उन्नीस से और अगले विंटर ओलंपिक्स क्या होंगे दी एब्रीविएशन सी पी सी एल इज़ एसोसिएटेड विद विद पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया तो ये सी पी सी एल है इसको आपको एक्सपैंड करना है क्या है इसका फॉर्म तो भाई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम केमिकल्स लिमिटेड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो एटलीस्ट ये ऑर्डर वन आउट करके तो मैं हटा सकता हूँ ठीक है अब बचता है सेंट्रल होगा चेन्नई होगा कोयम्बटू होगा तो यार देखने से तो लग रहा है कि इंडिया का बात हो रही है तो भाई सेंट्रल होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में चेन्नई होगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका इसका फुलफॉर्म होगा चेन्नई चेन्नई यानी कि तमिलनाडु तमिलनाडु से आपको क्या क्या रिकॉल होना चाहिए जल्दी से हम लोग रिकॉल करते हैं पहली बात तो तमिलनाडु पहला स्टेट है जो अपना क्लाइमेट चेंज का एक्शन फ्रेमवर्क लेके आया फिर उसके बाद अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहीं पे चेन्नई में ही आपका चेस का वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल ठीक है ये आपको पता होना चाहिए और तमिलनाडु में आपको अभी जो हमने गल्फ ऑफ मन्नार जो रिजर्व पढ़ा जिसमें कि डुगोंग सी का मिलता है वो भी आपका तमिलनाडु में है प्लस तमिलनाडु में ही आपका तीन मेजर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं तो चेन्नई पोर्ट एक तो ककरज पार जिसको हम इन्नोर पोर्ट बोलते हैं और एक है आपका टूटी कॉन पोर्ट ये तीनों जो बंदरगाह बंदरगाहें तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं तमिलनाडु का जो कोईपन क्लासिफिकेशन होता है वो ए कैपिटल ए स्मॉल एस होता है यहाँ इस, इसको हम कोरोमंडल तट भी बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं और आपको क्या पता होना चाहिए कि तमिलनाडु का जो न्यू ईयर है वो हम पुथांडू के रूप में सेलिब्रेट करते हैं कब अप्रैल या फिर चैत्र के महीने में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु का आपको बताना है एक फोक डांस आपको बताना है तमिलनाडु का अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड इन द लोकसभा सो दैट इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस यानी कि कितना लोकसभा में आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति क्या है ताकि वह कोई भी कार्य कर सके वॉट इज कोरम गणपूर्ति होती क्या है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन दी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस यानी मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि हाउस सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि मैं ये बोल दूँ कि अगर मान लेते हैं कि भाई पाँच हज़ार लोग देखते हैं ठीक है वीडियोस को पाँच हज़ार लोग देखते हैं और अगर एक बटा दस लाइक ना हुए यानी कि पाँच सौ लाइक ना हुए तो फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा ठीक है तो समझ रहे हो तुम हैं तो पाँच सौ लाइक ना हुए तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा तो ये क्या हो गया ये वन टेंथ मैंने क्या लिमिट डिसाइड कर दी या फिर जैसे लाइव क्लास हो गया लाइव क्लास होगा तो मैंने ये बोल दिया कि भाई पाँच हज़ार लोग हैं पाँच हज़ार लोग देखते हैं इसका मतलब पाँच हज़ार लोग देखते हैं वीडियोज़ को अगर डेली लाइव में वन टेंथ नहीं आएंगे यानी कि 500 लोग नहीं आएंगे तो फिर मैं लाइव नहीं लूँगा तो उसी तरह से ये है लोकसभा कि भाई इसमें कोरम होता है आर्टिकल नंबर वन जीरो ज़ीरो यानी कि आर्टिकल नंबर सौ में ये चीज़ लिखित है कि अगर वन टेंथ मेंबर्स नहीं आते हैं हाउस के अगर जो टोटल मेंबरशिप है तो फिर सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा उस केस में फिर क्या होगा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का यानी पीठासीन अधिकारी होगा लोकसभा के केस में जो स्पीकर होता है पीठासीन अधिकारी और राज्यसभा के केस में हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट जो कि हमारा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो सदन को सदन को कर देगा एडजर्न क्या कर देगा स्थगित कर देगा एडजर्न कर देगा और बोलेगा कि हम इस टाइम पे मीट करेंगे अभी ठीक है या फिर आ, लंच के बाद या फिर कल मीट करेंगे क्योंकि सदन में गणपूर्ति नहीं हुई है कोरम नहीं हुई है तो दैट इज़ वन टेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस क्लियर ये एक बटा दस होती है अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सदन की कार्रवाई चालू कब होती है? सदन की कार्रवाई ग्यारह बजे चालू होती है और चालू किससे होती है क्वेश्चन आवर से प्रश्नकाल से हमारा शुरू होता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं एक होते हैं आपके अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है और तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन स्टार्ट में पता है क्या होता है स्टार्ट में होता है कि ओरल आंसर जो है देना होता है ओरली क्वेश्चन होगा ओरली आंसर देना होगा यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे लिखित तौर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लिखित तौर से आंसर देना होगा और इसीलिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री फॉलो नहीं हो सकते हैं शॉर्ट नोटिस में आपको 10 दिन का शॉर्ट नोटिस देना होता है क्वेश्चन पूछने से पहले 11 से 12 ये हो गया इसके बाद एजेंडा डिसाइड होता है 12 से लेके एक बजे तक एजेंडा डिसाइड होगा कि जब हम लंच के बाद क्योंकि एक बजे के बाद इन लोगों का लंच हो जाता है तो एजेंडा आपका डिसाइड होता है जीरो आवर यानी कि शून्य काल में क्या डिसाइड होगा एजेंडा डिसाइड होता है और उसके बाद लंच और उसके बाद फिर मिल आराम से मौज मारते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है तो मरियाना ट्रेंच आपका अटलांटिक में पैसिफिक आर्टिक या फिर सदन तो जब मरियाना ट्रेंच है दैट इज द डीपेस्ट पार्ट इन दी ओशन कहीं पे भी पूरे समुद्र में पूरे ओशन जो टेबल है उसमें डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच या फिर इसके वेस्टर्न साइड में एक चैलेंजर डीप नाम की जगह होती है बिकॉज एच एम एस चैलेंजर कर का एच एम एस चैलेंजर करके एक नेवल शिप था ब्रिटिशर्स का उसने इसका पता लगाया था इसलिए इसका नाम चैलेंजर डीप रखा गया और इसकी जो डेप्थ है क्योंकि मरियाना ट्रेंच के ही बगल में है ना इसलिए तो तकरीबन उसको हम सेम ही मान सकते हैं उसी का ही एक नाम बोल सकते हो आप इसकी जो डेप्थ है दैट इज 11 किलोमीटर आप समझिए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8.8 किलोमीटर टू बी वेरी प्रोसाइड 8848 किलोमीटर इसकी क्या है हाइट है माउंट एवरेस्ट की लेकिन ग्यारह किलोमीटर ट्रेंच ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा ठीक है ये है आपका पैसिफिक पैसिफिक याद रखना पैसा से आपको ये जो भी सारे ओशन से सारे महासागर स्ट्रिक से आपको याद रखना है पैसा पी से पैसिफिक ए से अटलांटिक आई से इंडियन ऐसे सदर्न ओशन और ए से आर्कटिक ओशन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया में है पैसिफिक आपका सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा भी है डीपेस्ट भी है याद रखिएगा और एटलांटिक में अगर हम बात करें तो एटलांटिक में हमें एक मैंने आपको बताया था सी इसी का पार्ट होता है जहाँ पे सरग्यासम नामक एक घास देखने को मिलती है सरग्यासम घास ठीक है और ये आपको पता होना चाहिए कि पैसिफिक ईस्टर्न पैसिफिक में हम साइक्लोन को क्या बोलते हैं हरिकेन बोलते हैं ठीक है एटलांटिक में अगर हम बात करें अटलांटिक तो यहाँ पर भी हरिकेन बोलते हैं ईस्टर्न पैसिफिक में हरिकेन और अटलांटिक में हरिकेन अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न uh, पैसिफिक में तो वेस्टर्न पैसिफिक में इसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं या फिर जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे इसको हम जानते हैं टाइफून के नाम से ठीक है इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं और चाइना बेचारा चिढ़ा हुआ है उसने ये आवाज़ ये एक मांग रखी है कि इंडियन इस समुद्र का नाम इंडियन ओशन क्यों है क्योंकि ये एकमात्र ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पर है तो चाइना इससे चिढ़ा हुआ है बोल रहा है कि ये इंडिया का क्या इसमें कोई राज है क्या तो इसलिए नाम ही हटाया जाए ठीक है तो ये है उसका कहना खैर और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहा जाता है साइक्लोन को आपको पता होना चाहिए विली विली ठीक है विली विली ऑस्ट्रेलिया में टाइफून आपका जापान वगैरह में और हरिकेन आपका यूएस वगैरह कैनेडा वगैरह में आगे बढ़ते हैं विच इज़ दी मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज़ तो कोल पे भी हम लोग पहले क्वेश्चन देख चुके हैं कि वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है लोकप्रिय का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है कॉमर्शियल पर्पसेज से बाइट्यूमिनस एंथ्रासाइट पीट या फिर लिग्नाइट तो हमने पहले तो याद ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई कोल बनता कैसे कोल सालों में जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है सालों भर वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जब वो दबा रहता है तो धीरे धीरे कोल डेवलप होता है उससे और जितना नया होगा उतना ही बेकार होगा और सबसे बेकार कोल होता है पीट सबसे अच्छा होता है जिसमें कि हाइएस्ट कार्बन कंटेंट होता है ठीक है जिसमें कि हाइएस्ट कार्बन कॉन्टेंट होता है वही सबसे अच्छा होता है और उसी की जो कैलोरिफिक कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो उसी की सबसे ज़्यादा होती है तो हाई कैलोरिफिक वैल्यू इसी की होती है और इसी में आपका लो सल्फ़र कंटेंट होता है क्या होता है लो सल्फर सल्फ़र कंटेंट होता है सल्फर का कंटेंट बहुत कम होगा कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और कार्बन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है बाइटिनमस की बात करें एंथ्रासाइट के बाद बाइटमिनस ही आता है आपका सेकेंड बेस्ट नंबर का ये कोल होता है बाइटमिनस और इसी को हम कॉमर्शियल तौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एंथ्रेसाइट को क्यों यूज़ नहीं कर लेते जब सबसे अच्छा है हाई नहीं उतना तो कहाँ से यूज़ कर लोगे जैसे हम इंडिया में बताएं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका लिगनाइट पाया जाता है लग्नाइट आपका ये तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा लगनाइट पाया जाता है लेकिन इंडिया में एंथ्रेसाइट बहुत ही कम है ठीक है फिर ना के बराबर है ठीक है तो इसे हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है जो हाई ग्रेड कोल है जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ हैं ठीक है और कोल इंडिया में गोंडवाना जो फील्ड लैंड्स है वहां पाया जाता है ठीक है गोंडवाना फील्ड लैंड में ठीक है तो बाइटोमिनस में आपका कार्बन इसमें अंतरासाइट में अगर बात करूँ तकरीबन 90 टू 95 परसेंट कार्बन कंटेंट इसमें तकरीबन 80 परसेंट इसमें तकरीबन 60 टू 70 परसेंट और इससे भी कम सॉरी इसमें 60 टू 70 70 परसेंट है और इससे भी कम आपका पीट में होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स आर इंक्लूडेड इन विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा को मुद्रा आपूर्ति के किस माप में शामिल किया जाता है एम वन एम थ्री एम टू या फिर एम फोर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स को किस में इंक्लूड किया जाता है तो ये हैं क्या ये आपके मनी सप्लाई को मेजर करते हैं कौन एम एम नॉट से लेके या फिर एम जीरो से लेके एम वन एम टू एम थ्री एम फोर अब क्योंकि ये मैंने आपको पता पढ़े पहले कभी पढ़ाया नहीं है तो इसको ढंग से नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है एम ज़ीरो एम वन एम टू एम थ्री और एम फोर ठीक है एम जो ज़ीरो होता है इसमें आपका आता है करेंसी इन यूज़ ठीक है जो आपकी करेंसी इन यूज़ है जिसमें कि आपके सिक्के नोट वगैरह सब कुछ प्लस बैंकर्स डिपॉज़िट विद आर ठीक है जितने बैंकर्स बैंकों के डिपॉजिट्स हैं विद आर ठीक है आरबीआई के पास जितना भी बैंकों ने अपना डिपॉजिट करवा रखा है प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जैसे कि गवर्नमेंट ने जमा करवाया होगा या फिर मान लेते हैं आई का लोन लिया तो वो सारी चीजें आपके एम जीरो में आते हैं एम वन में अगर बात करें तो करेंसी इन यूज प्लस डिमांड डिपॉजिट्स वॉट आर डिमांड डिपॉजिट आपके बैंक में दो तरह के डिपॉजिट होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल है एफडी एफडी करवाते हो वो एक फिक्स टाइम के लिए करवाते हो अगर तुरंत अगर लेना है उसको जैसे कि डिमांड डिपॉजिट में क्या जो तुम्हारे सेविंग्स में पड़ा हुआ है पैसा वो डिमांड डिपॉजिट है जब चाहो तब निकाल सकते हो उसमें भी लिमिट होती है लेकिन जब चाहो तब निकाल सकते हो उसको लेकिन एफ तो जब चाहो तब नहीं तोड़वा सकते हो ना अगर तोड़वानी है तो तुम्हारी मतलब पैसे तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे है ना और तो उसी वजह से जो एफ होते हैं टाइम डिपॉजिट होते हैं और ये आपके डिमांड डिपॉजिट्स तो ये जो एकदम इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी अब लिक्विडिटी क्या होती है मनी सप्लाई में लिक्विडिटी क्या होती है लिक्विडिटी होती है मतलब कितनी जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे कि अगर हम ये बात करें जो हमारी करेंसी इन यूज़ है ये सबसे लिक्विड फॉर्म है उसके बाद डिमांड डिपॉजिट उसके बाद टाइम डिपॉजिट वो कम लिक्विड है क्योंकि तुरंत आप उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो ये सारे इसका ऑर्डर है एम टू की अगर बात करें तो एम होता है आपका एम प्लस सेविंग्स विद सेविंग्स डिपॉजिट से ठीक है एम थ्री की अगर बात करें तो एम थ्री में आपका आता है एम वन ठीक है एम थ्री में आपका आता है एम वन प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक ठीक है नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स अब नेट में क्या इसका मतलब होता है नेट में एक तरह से मान सकते हो कितना पैसा उसके पास है एज अ रिजर्व कितना उसने लोन के तौर पे घुमा दिया उसको ठीक है और M4 में आपका आता है M3, M3 को जितना है उसको जोड़ दीजिए प्लस टोटल डिपॉजिट्स टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस पूछ क्या रहा है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस M2 हो गया आंसर अब एक चीज इसमें और याद रखना इसमें यह चीज़ याद रखना कि जो एम नॉट होता है ना इसको रिजर्व मनी के तौर पे बोलते हैं क्या बोलते हैं रिजर्व मनी एम वन एम टू को बोलते हैं नैरो मनी क्या बोलते हैं नैरो मनी बोलते हैं इसको और एम थ्री एम फोर को बोलते हैं ब्रॉड मनी ठीक है ब्रॉड मनी एक बार पता है आपके ब्रॉड से मुझे याद आया स्टूअर्ट ब्रॉड है एक बार आपके ऐसे सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था कि, कि किसको युवराज सिंह ने छः छक्के मारे थे है ना तो स्टूवर्ट ब्रॉड जी हमारे तो ये अब एम नॉट से लेके एम फोर और इनको तो बुमराह जी ने भी पेल दिया था एक बार आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में चार पाँच छक्के लगाए थे इनको तो एम नॉट एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ये मनी सप्लाई के मेजर्स के टूल होते हैं आप इनको याद रखिएगा ठीक है एम नॉट में सबसे लिक्विड होता है रिजर्व मनी एम वन एम टू एम टू नैरो मनी होते हैं और एम थ्री एम फोर ब्रॉड मनी होते हैं तो ये आप याद रखेंगे तो अब जितना भी कोई क्वेश्चन आएगा आपसे आराम से बन जाएगा बस याद रखिएगा इसमें सेविंग डिपॉजिट सेविंग्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस एम टू में आता है और इसमें आपका डिमांड डिपॉजिट आता है एम वन में ठीक है और अगर इसमें आप टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका एम थ्री में ठीक है अगर डिमांड डिपॉजिट है तो एम वन में टाइम डिपॉजिट इंक्लूड कर दिया तो वो एम थ्री हो जाएगा और अगर पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट्स कर लिए तो वो आपका एम फोर में आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हु हैजगना रिकग्नाइज अस्थना नृतकी रेजिडेंट डांसर ऑफ द तिरुमला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स तो इसका ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की थाना नर्तकी निवासी नर्तकी के रूप में किसे मान्यता दी गई थी रागिनी देवी रुक्मणी देवी उमा शर् शर्मा या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति अब इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो तिरुपति आप जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है ये कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है आंध्र प्रदेश का फोक डांस है कोचीपुडी रुक्मणि देवी अरुण के बारे में पढ़ा है ये भरतनाट्यम से संबंधित है तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे इस बेसिस पे आंसर अब उमा शर्मा कैसा नाम लग रहा है नॉर्थ इंडिया का ना तो इसको भी आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं है तो वैसे देखें तो रागिनी देवी बचा है यामिनी कृष्णमूर्ति बचा है तो भाई सदर इंडिया का मुझे कौन सा नाम लग रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर होगा और एक्चुअल में ये जो कुचिपुड़ी यानी कि जो आंध्र प्रदेश का फोक डांस है उसकी एक्सपोनेंट है साथ साथ भरतनाट्यम की भी है ये ठीक है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की अगला क्वेश्चन है आपका विच लॉ वॉज प्रपोज्ड इन एटीन इलेवन प्रिडिक्टेड दैट द सेम वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड बी वुड हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अठारह सौ ग्यारह में प्रस्तावित किस कानून कानून के भविष्यवाणी थी कि समान तापमान और नॉट कानून ठीक है इसमें किस मतलब लॉ ने थी समान तापमान और दबाव पर गैसों की समान मात्रा के में अणुओं की संख्या समान होती है यहाँ पे टेम्परेचर है यहाँ पे प्रेशर है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं याद करिए चार्ल्स लॉ क्या बोलता है चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को दिखाता है आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ाइए वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर को घटाइए वॉल्यूम घटेगा ठीक है अगर हम बात करें डाल्टन चलो पहले तो आंसर बताते हैं इसका एवो ठीक है हम गैड्रोज लॉ पढ़ते हैं कि नहीं वो नंबर पढ़ते हैं वो नंबर क्या है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री इसको क्या बोलते हैं वो नंबर यानी कि अगर मैं बात करूँ किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉल्स देखने को मिलेंगे किसी भी चीज़ के तो इतने देखने को मिलेंगे ठीक है तो एवोगैड्रो लॉ यही बोलता है ये रिलेशनशिप बनाता है किसके किसके बीच में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ठीक है तो यहां पे वी वन एन वन इज इक्वल्स टू वी टू एन टू ये रिलेशन होता है और ये एवो गैड्रोज लॉ कब दिया गया था ये भी कभी कभी पूछ लेता अठारह सौ ग्यारह में गे लुसैक्स लॉ की अगर हम बात करूँ तो जो आपका गे लुसैक्स लॉ है ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप शो करता है ठीक है प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में चार्ल्स लॉ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपका गे लुसैक्स लॉ ठीक है यह भी अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यह अगर आपसे कभी कोई पूछ ले ऐसे करके विच ऑफ द लॉज रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस ठीक है वॉल्यूम ऑफ अ गैस की प्रोपोर्शनैलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस तो ये आपका घेलुसाक् लॉ रिप्रेजेंट करता है बात अगर करें डॉल्टन लॉ किस को लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से जाना जाता है ठीक है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये लॉ ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं आपको एक गैस का जिसमें कि काफी सारे कॉन्स्टिवेंट गैसेज हैं उसका अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो जो उसकी कॉन्स्टिवेंट गैसेज हैं उनके प्रेशर को आप एड ऑन कर दीजिए पी वन पी टू पी थ्री एंड सो ऑन आपको ओवरऑल जो प्रेशर है वो मिल जाएगा ये बोलता है हमारा डाल्टनस लॉ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन ये, ये बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम ट्वेंटी वन ईयर्स टू एटीन और यहाँ पे बॉयल्स लॉ पढ़ लिया नहीं पढ़ा बॉयल्स लॉ तो यार भूल ही रहे हम लोग है ना बॉयल्स लॉ को भी रिकॉल करिए जल्दी से बॉयल्स लॉ क्या बोलता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है और बॉयल्स लॉ कब दिया गया था ये पता होना चाहिए सिक्सटीन सिक्सटी टू में ये भी आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सोलह सौ बासठ में ठीक आगे बढ़ते हैं इन विच ऑफ दॉलोविंग ईयर वॉज वोटिंग एज 21 से 18 करी गई थी निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई नब्बे बानबे अट्ठासी या फिर नवासी अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब डिक्रीज करी गई तो इसका सही आंसर होगा 1988. बिकॉज ये जो एक्ट आया था विच कौन सा एक्ट था सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट ये 1988 में ही आया था 1988 में एक्चुअल में इंप्लीमेंट 89 में हुआ था लेकिन एसएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में 88 ही माना है तो विल गो विद 88 एक्ट आया था 88 में लेकिन हुआ इंप्लीमेंट 89 में था आर्टिकल नंबर 326 ये बोलता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बारे में कि हर कोई एट्टीन प्लस वोट दे सकता है ठीक है और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 21 मिनिमम एज कहाँ पे होती है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए है ना और लोकसभा में 25 साल होती है राज्यसभा में 30 साल होती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 इयर्स होती है बाकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी आपको पता होना चाहिए जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट नाइन्टीन में हुआ था ठीक है जिसने कि आपका नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अगर हम बात करें जो आपके कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जैसे कि जो टेंथ शेड्यूल जिससे आपका ऐड हुआ था दैट वाज फिफ़्टी सेकेंड अमेंडमेंट ठीक है टेंथ शेड्यूल ऐड हुआ था और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वाला जो अमेंडमेंट है जो सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट है नाइन्टीन नाइन्टी टू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है और आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्टी सेकेंड तो भाई ये पता होना ही चाहिए रटा होना चाहिए नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में क्योंकि ऐसे पूछ लेता है कभी कभी कि बताओ भाई प्रियांबल में किस ईयर में तीन नए वर्ड्स जोड़े गए थे तो अमेंडमेंट नहीं पूछेगा ईयर पूछ लेगा ठीक है फोर्टी फोर्थ कब हुआ था इसके दो साल बाद नाइनटीन सेवेंटी एट में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट पावर्स द अर्थ इन नल हीट इंजन पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को कौन शक्ति देता है विल सोलर एनर्जी टाइट्स या फिर रेडियो एक्टिव एनर्जी अर्थ के जो इंटीरियर में जो हीट जनरेट होती है जैसे हम जिसको हम बोलते हैं क्या जियोथर्मल एनर्जी जियो एनर्जी जैसे आपने कुछ सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कहीं पे क्वेश्चन जियो साइट्स इन इंडिया कौन कौन सी है ना जहां से जियोथर्मल हमें एनर्जी मिलती है जो अंदर से एनर्जी आती है बहुत भयंकर एनर्जी होती है वो बहुत भयंकर लेकिन हमारे यहाँ उतनी साइट्स हैं इंडिया में कुछ हैं वो भी आपको बताऊँगा लेकिन ये एनर्जी आती है जो हमारा अर्थ होता है ना अर्थ उसमें ना क्या होता है क्रस्ट होता है मैटल होता है और अंदर कोर होता है तो कोर में जो रेडियो एक्टिव आपके चीज़ें होती है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनका डिके होता है तो वो रेडियो एक्टिव डिके से आपकी रेडियो एक्टिव एनर्जी बनती है और इसी एनर्जी से जो है जियोथर्मल एनर्जी बनती है और इसकी हम कुछ प्रमुख साइट्स इन इंडिया की बात करें तो ये है हमारी जैसे एक है आपकी पूगा वैली पूगा घाटी पूगा वैली और एक है छुमाथ ठीक है छुमाथांग ये दोनों ही हैं आपकी जे एंड के में जम्मू एंड कश्मीर में फिर एक है आपकी मणिकर्ण मणिकर्ण ये कहाँ है ये हिमाचल प्रदेश में है फिर एक है आपकी जलगांव, क्या है जलगांव, ये है आपकी महाराष्ट्र में और एक और नोट करिए एंड दैट इज इन योर उत्तराखंड और वो है तपोवन तपोवन कहाँ पे है ये उत्तराखंड में है तो ये साइट्स आपको पता होना चाहिए और ये एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है कोर से कोर में क्या किसका बना होता है कोर नीफे का बना होता है नी यानी निकल फे मतलब आयरन क्रस्ट किसका बना होता है सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम का सीमा का बना होता है हमारा मेंटल या फिर अगर आपसे कभी पूछ ले ओशनिक क्रस्ट जो है वो किसकी बनी होती है तब भी आपका आंसर क्रस्ट देख के सियाल नहीं लगाएंगे सीमा लगाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है मेंटल कोर में मेंटल ऑक्यूपाई करता है क्रस्ट और सॉलिड पार्ट ऑफ अपर मेंटल अगर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा जरा बताइए क्रस्ट प्लस सॉलिड अगर हम मेंटल जो अपर पार्ट होता है मेंटल का उसको ले लेंगे तो ये क्या चीज बन जाएगा इसको क्या बोलते हैं अगला क्वेश्चन है अ अ ब्रीफ सॉरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज अ वर्क पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश भारत का इतिहास किसके किसके द्वारा प्रकाशित एक काम है डलहौजी वर्न हास्टिंग लॉर्ड कैनिंग या फिर या फिर जेम्स मिल बताइए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जेम्स मिल कभी भारत आया नहीं था ना तो किसी इंडियन लैंग्वेज के बारे में इसको नॉलेज थी लेकिन फिर भी आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसने लिख डाली अब जेम्स देख के मुझे कई सारे जेम्सों की याद आ रही है ठीक है एक तो हमारे जेम्स चैडविक हैं है ना जिन्होंने किसकी खोज करी थी जरा बताइए जल्दी से क्यों उनका नाम याद आ रहा है आपको फिर अगर बात करें एक और जेम्स थे आपके मैंने आपको बताया होगा जेम्स जूल ठीक है जेम्स पी जूल ये क्यों याद आ रहे हैं फिर एक हैं आपके जेम्स क्लर्क शायद इनका नाम आपको याद ना आ रहा हो क्योंकि हो सकता है पहली बार आप इनका नाम सुन रहे हो तो पहले देख लेते हैं जेम्स चैडविक इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी ईंट पर नाच रिकॉल करो ईंट पर नाच ई से इलेक्ट्रॉन टी से थॉमसन जे जे थॉमसन पी से प्रोटॉन आर से रदरफोर्ड या फिर गोल्ड स्टीन भी आ सकता है न्यूट्रॉन चैडविक जेम्स चैडविक ने जेम्स पी जूल ने जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको डिस्कवर किया था आपको बताना मैग्नेटिक मैग्नेटिकार में कई बार पूछ चुका हूं मैं तुमको यही बता देता हूं और वो मैं नहीं तुम्हें बता पाता हूं लेकिन आज से बता के रूंगा तुम्हें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ये हैंस क्रिश्चियन क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ठीक है ऑर्स्टेड ओ ई आर एस टी ई डी जे दैट इज विच ऑर द फॉलोविंग डायनेसिटी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल विच फॉट फॉर सेंचुरीज टू कंट्रोल ओवर वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया कन्नौज ने कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से बेशकीमती क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ा था कादम्ब राष्ट्रकूटा गुर्जर प्रतिहार या फिर पाल तो यहाँ पे कहा गया मैप यार ये है मैप तो ये है हमारा इंडिया ठीक है गुर्जर प्रतिहार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हमने राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा है ना पिछले दो दिन से पढ़ रहे हैं इनके बारे में राष्ट्रकूट के बारे में क्या कड़ा दंती दुर्ग इसके फाउंडर हैं कृष्णा वनगर के राजा थे जिन्होंने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया तो उसमें जो कैलाश टेम्पल था उसमें दश अवतार टेम्पल भी एलोरा में देखने को मिलेंगे एलोरा में जैन बुद्धिस्ट और हिंदू तीनों की गेफ़्स देखने को मिलेंगी और यहीं पर अजंता की केव्स और जो एलिफेंटा की केव्स है उनका भी निर्माण इन्होंने करवाया अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलती हैं आपकी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है और जो कैलाश का टेम्पल है एक एक रॉक से पूरा उसमें वो पूरा बना हुआ है ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े थे राष्ट्रकूट के बारे में और कृष्णा थ्री किस डायनेस्टी के रूलर है इस तरह से क्वेश्चन था तो राष्ट्रकूट आपके ध्रुव हो गए आपके गोविंदा हो गए ये सब आपके राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे तो ये लोग ये यहाँ पर रूल कर रहे थे गुर्जर पतिहार यहाँ पे थे और पालक जो है ईस्टर्न साइड में थे ये यह सब यहाँ पे कब्जा जमाना पाया जा रहे थे ये कौन सी जगह है ये कन्नौज है क्यों कन्नौज पे जगह बनाना चाह रहे थे बिकॉज हर्षवर्धन जा चुके थे हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो पुष्यभूति ड हर्षवर्धन से क्या रिकॉल आता है हर्षवर्धन से ये रिकॉल होना चाहिए कि चौदह साल पहले उन्होंने रूल किया ठीक है और बान भट्ट उनके कोर्ट पर्यट थे जिन्होंने की हर्ष लिखी थी रत्नावली उन्होंने हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी कन्नौज उनकी कैपिटल थी ठीक है और ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी पुला केसिन टू से वो हारे थे तो यहाँ पे कन्नौज में उनकी कैपिटल थी है। जानने के बाद वैक्यूम क्रिएट हो गया सब यहाँ पे कब्जा जमाना चाह रहे थे बिकॉज ये दुआब रीजन है दुआब क्या होता है जो दो नदियों के बीच का जो इलाका होता है उसको दुआब बोलते हैं तो गंगा यमुना के बीच का दुआब रीजन है कन्नौज तो इस पर फर्टाइल है काफ़ी लैंड तो इस चक्कर में क्या हुए उसी बंदर आपने सुना है ना बंदरों की स्टोरी कि जो कोई यहाँ दो बंदर लड़ रहे होते हैं ना दो बंदर लड़ रहे होते हैं और तीसरा आके मतलब वो बोलता है कि हमारी रोटी का मैं हमारी रोटी का में और वो तीसरा वाला रोटी खाता जाता है तो इसी तरह कुछ यहाँ पे भी हुआ हुआ ये कि ये कन्नौज के चक्कर में ख़ुद को ही वीक बनाते गए कन्नौज के पीछे तीनों इतना आपस में दो सेंचुरीज दो साल तक लड़े इतना लड़े इतना लड़े कि मुस्लिम इन्वेजन को इन्होंने एक तरह से न्यौता दे दिया कि ये मतलब आपस में कम होते गए और यहीं से फिर आता है महमूद ऑफ़ गजनवी ठीक है महमूद अफ़गानिस्तान से आता है महमूद ऑफ़ गज़नी गज़नावाइड एम्पायर इसके बारे में पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? गजनवी गज़नावाइड एम्पायर से था और ये गज़नी नामक जगह से आया था ठीक है इसने लूटा उटा सोमनाथ टेम्पल को लूटा खूब लूटा और मंदिरों को डिस्ट्रॉय तब इसको आइडल डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत ही ये मतलब एक तरह से टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इस्लाम धर्म को स्थापित करने के लिए इसको जाना जाता है ठीक है तो ये लूट के जाता था और इसके बाद आपको पता है फिर से आता है कौन मोहम्मद गौरी आता है वो गौरी घोर ना, एक नामक जगह है अफगानिस्तान में वहाँ से आता है और फिर आपको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191 पृथ्वीराज चौहान से हारता है पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय ठीक है पृथ्वीराज तृतीय की बात कर रहे हैं हम लोग ये भी हम लोगों ने पढ़ा था तो वो उसके बाद वापस उसको भेज दिया चलो मारते नहीं भेज देते हैं लेकिन गौरी आया दूसरे बैटल में सेकेंड बैटल ऑफ तराई इलेवन उसने जो है छोड़ा नहीं पृथ्वीराज को और हरा के मार डाला ठीक है ये आप सबको पता ही है तो ये एक तरह से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ट्राईपाटाइट स्ट्रगल है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालास के बीच में हुआ और इसने एक तरह से मुस्लिम इन्वेजन के लिए रास्ता जो है दे दिया तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्या कदम बगर यह जो है आपके ट्राईपाटाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं थे तो यहाँ से हो होता है हमारा आज के लेक्चर का समाप्ति और आपको वीडियो को करना होगा लाइक क्योंकि अगर आपने कोरम को कंप्लीट नहीं किया तो फिर हो जाएगी दिक्कत ध्यान लेना ठीक है और फर्स्ट मे से यानी कि अगले मंडे से हम लोग लाइव करेंगे टेन ए एम पे और फर्स्ट मे को तो आना ही आना है पता नहीं क्यों है ना तो चलो भई सारे जो नोट्स हैं पी डी एफ हैं इस लेक्चर की और हंड्रेटेड नोट्स सब कुछ आपको परमार एस एस सी के टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डेली हर एक टेस्ट हर एक लेक्चर का टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप है एक अलग से उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए तो सबको ज्वाइन कर लेना बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए